So in the previous class, we have discussed about the concept of the oogenesis and the development of the various follicles. Now in the starting, we have initiated that in the each month, which follicles are there? The early primary follicles are there. Now in these early primary follicles, which oocyte? Primary oocyte. And this primary oocyte, is it arrested? Yes, it is arrested. In which stage? Arrested in the diplotene stage. और डिप्लोटिन स्टेज कब आई थी? ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही आ गई थी. ठीक है, तो ये भी आप क्या हो गया, डिफरेंस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस का और ओजेनेसिस का. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्टेज होगा डिप्लोटिन स्टेज विद कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस, डिप्लोटिन क्या होता है, लॉन्गर होता है. ठीक है, अरेस्टेड इन डिप्लोटिन स्टेज. और ये किसका है? ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ऑफ मियोसिस फर्स्ट. ठीक है, प्लॉयडी की बात करें तो प्लॉयडी क्या होगी, यहाँ पे 2n और यहाँ बताओ 2c है कि 4c. यहाँ पे क्या होगा 4c, इसका क्या होगा, डीएनए कंटेंट होगा. ठीक है, उसके लिए उसमें क्या प्रेजेंट है, क्या उसमें जोना पिलोसिडा है? नहीं है. लेकिन क्या उसमें ग्रेनुलोसा सेल है? ग्रेनुलोसा सेल उसके अंदर है. ठीक है, सिंगल लेयर है कि मल्टीपल लेयर है? सिंगल लेयर है. ठीक है, शेप कैसा है, कोलमनार है कि क्यूबॉइडल है? कैसा शेप है? क्यूबॉइडल शेप है. ठीक है, फंक्शन क्या डिस्कस किया था ग्रेनुलोसा सेल्स का? फर्स्ट फंक्शन क्या डिस्कस किया था कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं दे विल प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड आल्सो दे विल सिक्रीट वन फैक्टर कॉल्ड ऊसाइट मैचुरेशन इनहिबिटर फैक्टर, जो क्या करेगा, जो प्राइमरी ऊसाइट को किसमें अरेस्टेड रखता है, डिप्लोटिन स्टेज के अंदर अरेस्टेड रखता है. ठीक है, उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, क्या स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट हैं? स्ट्रोमल सेल्स भी प्रेजेंट हैं. अब वो जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, ठीक है, इनका आपने शेप देखा होगा, कैसा शेप है इनका, स्पिंडल शेप्ड हैं. कहां से डिराइव हुई हैं? डिराइव फ्रॉम ओवेरियन कनेक्टिव टिश्यू. उसके अलावा एक खास बात और क्या देखी थी कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, देर आर गैप जंक्शंस. ठीक है, और गैप जंक्शन किसके किसके बीच में है, क्या ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में है? यस, अमंग दी ग्रेनुलोसा सेल्स. और किसके बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन ग्रेनुलोसा सेल एंड ऊसाइट. ठीक है, तो ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा जब तक वो क्या नहीं होता है, जब तक ओवुलेशन नहीं होता है. ठीक है, और क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज दे पास द न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग ऊसाइट. ठीक है, ये हो गया कौन सा, अर्ली प्राइमरी फोलिकल. सेकेंड बात करें, सेकेंड यहां पे क्या है बन गया अब, लेट प्राइमरी फोलिकल. ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे ईच मंथ में कौन कौन से फोलिकल्स हैं वो अपना मेचुरेशन स्टार्ट करते हैं. अब यहां बात करें अपन, तो यहां पे कौन सा ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट, रिपीट नहीं करेंगे, वही डिप्लोटिन में अरेस्टेड है. अब यहां पे क्या हो गया, लेयर्स की बात करें तो यहां पे सिंगल लेयर है कि मल्टीपल लेयर्स हैं? यहां पे मल्टीपल लेयर, तो सराउंडेड इन ए लेटर स्टेज ऑफ लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बाई सेवरल लेयर्स ऑफ विच सेल्स, ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स. ठीक है, तो अर्ली प्राइमरी फोलिकल में सिर्फ सिंगल लेयर था, क्यूबॉइडल था, और लेट प्राइमरी फोलिकल में क्या हो गया, सिर्फ मल्टीपल लेयर्स वहां पे हो गया, बाकी सारी की सारी क्या है, सिमिलरिटीज हैं. थर्ड की अपन बात करें, थर्ड कौन सा फोलिकल है, विच फोलिकल,
सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब क्या डिफरेंस होगा, तो एक मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो क्या होती रहेंगी, इंक्रीज होती रहेंगी। उसके अलावा यहां पे कौन सा लेयर बन जाएगा, थीका फोलिकुलाई, कौन बनाएगा, स्ट्रोमल सेल्स। सो स्ट्रोमल सेल्स सराउंडिंग दी, स्ट्रोमल सेल्स सराउंडिंग दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, सराउंडिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिगिंस टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइज्ड लेयर, बिगिंस टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइज्ड लेयर कॉल्ड थीका फोलिकुलाई। कौन से फोलिकल की बात कर रहा हूं, सेकेंडरी फोलिकल की। तो नंबर ऑफ जो लेयर्स है वो इंक्रीज हो गया और एक ऑर्गेनाइज्ड लेयर बन गया, किसका, थीका फोलिकुलाई का। तो सब तो डिफरेंस आप वही याद रखो, सिमिलरिटी तो सभी में बाद में एक जैसी हो जाएंगी वो तो। नाउ अगला जो फोलिकल है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस, कौन सा है, दिस इज दी टर्शरी फोलिकल। काफी बेटा काफी इंपॉर्टेंट है टर्शरी फोलिकल। अब देखिए टर्शरी फोलिकल के अंदर, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ लेयर्स वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो नरिशमेंट प्रोवाइड करें किसको, किसको, प्राइमरी यूसाइट को। तो यहां पे क्या होगा, जब यहां पे नरिशमेंट मिलता रहेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्राइमरी यूसाइट है अरेस्टेड है अभी भी बेटा, किसमें, डिप्लोटीन में, प्राइमरी यूसाइट क्या करेगा, ग्रोज इन साइज। क्यों होगा, क्योंकि नरिशमेंट मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, ग्रैनुलोसा सेल से मिल रहा है, ठीक है, साइज में इंक्रीज होगा। देन क्या होगा, दिस प्राइमरी यूसाइट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म टू हैप्लोइड सेल्स ऑफ इक्वल साइज और अनइक्वल साइज, ऑफ अनइक्वल साइज, ठीक है। तो डिवीजन कौन सा हो गया, अनइक्वल डिवीजन कौन सा है, न्यूक्लियस का डिवीजन अनइक्वल है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल है, किसका है साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल है, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। अब जो दो सेल यहां पे बनी है, पहला सेल यहां पे कौन सा बना है, फर्स्ट सेल इज दी सेकेंडरी ऊसाइट, ठीक है। इसके अपन फीचर्स की बात करें सेकेंडरी ऊसाइट की, तो सेल कैसा है, लार्जर सेल, काफी सारा साइटोप्लाज्म इसी ने ले लिया है, ठीक है। एंड इट रिसीव्स मोस्ट ऑफ दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक और खास बात क्या है इसकी कि क्या स्टार्ट करेगा, ये बिगिंस मियोसिस सेकेंड बट अरेस्टेड इन विच स्टेज, इन मेटाफेज सेकेंड, ठीक है। और एक चीज और यहां पे खास बात क्या है कि ऊ साइड जो न्यूक्लियस है दैट इज आल्सो कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल, ठीक है। यहीं पे आप थोड़ा सा लिख ले सकते हैं आप कि द न्यूक्लियस ऑफ ऊ साइड न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल, ठीक है। तो अभी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दिखाई नहीं देगी। अब एक क्या बन गया, सेकेंडरी ऊ साइड, दूसरा क्या बनेगा, दैट इज द फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। तो इसमें वही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर हैं, जितने सेकेंडरी यूसाइट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो उतने के उतने ही हैं। लेकिन यहां पे देखिए आप, अब सेकेंडरी यूसाइट है जिसकी प्लॉयडी पूछें तो n है कि 2n है, प्लॉयडी
तो एन है, लेकिन डीएनए कंटेंट सी है कि टू सी है? डीएनए कंटेंट क्या है? टू सी है। फर्स्ट पोलर बॉडी सेम है क्या? एन बाई टू सी, लेकिन इसके पास में क्या नहीं है? इसके पास में साइटोप्लाज्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बाद में? डीजनरेट हो जाता है। तो इट इज दी स्मॉलर सेल, ठीक है, इट कंटेन ओनली माइन्यूट और यू कैन से स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये आगे डिवीजन कर भी सकता है, ठीक है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट भी कर सकता है और ये यहीं पर भी डीजनरेट हो सकता है, दोनों केस ही हो सकते हैं ये, ठीक है। और दोनों केस में क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? ये क्या हो जाएगा? डीजनरेट ये हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपना? ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? टर्शरी फोलिकल की अपन बात करते हैं। अब टर्शरी फोलिकल में देखिए कि टर्शरी फोलिकल में एक चीज और कि जो मियोसिस फर्स्ट है, एक चीज और कि मियोसिस फर्स्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए कौन सा हार्मोन की रिक्वायरमेंट है? कौन सा हार्मोन रिक्वायरमेंट है? एलएच हार्मोन है उसके रिक्वायरमेंट है। अब थोड़ा सा मैं आपको, यदि मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि जो मियोसिस फर्स्ट है वो कैसे कंप्लीट होगा, और यहां पे सिर्फ आप हार्मोन याद रखो, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है कंप्लीशन के लिए? कौन सा? एलएच, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा एक सेकेंडरी मैसेंजर, क्या नाम होता है उसका? दैट इज कॉल्ड साइक्लिक एएमपी, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो मियोटिक डिवीजन जो अरेस्टेड हो चुका था किसके अंदर? डिप्लोटीन में। अब किसी भी मियोटिक डिवीजन को अरेस्ट करने के लिए क्या होगा? एक हाई सी साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये साइक्लिक एएमपी ये किस में नहीं बनता? ये ऊ साइड पे तो बनता नहीं है, इसका मतलब इसका सोर्स कौन है? इसका सोर्स कौन है? ग्रेनुलोसा सेल्स क्या है इस साइक्लिक एएमपी का सोर्स होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि गैप जंक्शन मैंने आपको बताए थे, तो जितना गैप जंक्शन होगा उतना ही साइक्लिक एएमपी कहां आता रहेगा? कहां आता रहेगा? उस प्राइमरी यू साइट में आता रहेगा, ठीक है। और जब जितना साइक्लिक एएमपी आता रहेगा उतना ही जो अरेस्ट हो चुका है वो क्या होगा? कंटिन्यू वहां पे रहता है, ठीक है। अब एलएच क्या करेगा? एलएच का काम क्या होगा? एलएच का काम ये होगा कि गैप जंक्शन के अंदर जो कहां प्रेजेंट है, गैप जंक्शन जो ग्रेनुलोसा सेल्स में और बिटवीन द ग्रेनुलोसा सेल एंड ऊ साइट में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे? उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस का क्या हो गया? लॉस हो गया। इसका मतलब साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। और ये कम हो गया इसका मतलब क्या हो गया? अब जो डिवीजन है वो डिवीजन क्या हो जाएगा उसमें? यू कैन से मियोटिक मेचुरेशन क्या हो जाएगा? वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक रीजन ये देते हैं कि बिकॉज ऑफ साइक्लिक एएमपी, और दूसरा क्या देते हैं कि जो एलएच है, जो एलएच है वो एलएच क्या करवाता है? इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन दी ऊसाइट, और जो कैल्शियम होगा वो क्या करवाता है? वो मियोटिक जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसको कंप्लीट करवाता है, मियोटिक मैच्योरेशन, ठीक है। तो ये हो गया कि जो मियोसिस फर्स्ट है जिसमें अरेस्टेड था प्राइमरी ऊसाइट वो कंप्लीट कैसे होगा? कौन से हॉर्मोन के कारण होगा? बिकॉज ऑफ दी एलएच हॉर्मोन, ठीक है। अब टर्शरी फोलिकल में आपने क्या देखा था? एक और चीज आपने क्या देखी थी कि टर्शरी फोलिकल के अंदर क्या होगा कि जो जो थीका सेल था, ठीक है, जो लेयर था वहां पे ऑर्गेनाइज लेयर था स्ट्रोमल सेल्स का, क्या आपने नाम दिया उसको? थीका फोलिकुलाई। अब थीका फोलिकुलाई किस में डिफरेंशिएट होगा? थीका फोलिकुलाई डिफरेंशिएट इनटू इंटू टू लेयर्स, ठीक है। एक लेयर इसने कौन सा बनाया? दैट इज कॉल्ड थीका एक्सटर्ना, ठीक है। अब थीका एक्सटर्ना किसका बना है? इट इज मेडअप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और मैंने क्या बनाया था कि फाइबरस कैप्सूल है किसका? डेवलपिंग फोलिकल का। क्या इसमें ब्लड वेसल्स हैं? हाँ, इसके अंदर भी ब्लड सप्लाई है, सो इट कंटेन दी लार्ज ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये हो कौन सा लेयर हो गया? थीका एक्सटर्ना। दूसरा
अंदर की तरफ है वो कौन सा लेयर हो गया, थीका इंटरना, बेसमेंट मेम्ब्रेन की साइड में थीका इंटरना हो गया। ये कौन सा लेयर हो गया, दिस इज द इनर लेयर, और वो ऊपर वाला कौन सा है, दिस इज द आउटर लेयर। ठीक है, इनर लेयर हो गया। अब यहां पे जो कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, क्यूबोइडल, क्यूबोइडल सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है, नेचर कैसा है, ग्लैंडुलर, सो दे आर दी ग्लैंडुलर सेल्स। ठीक है, उसके अलावा क्या इसमें ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई इसमें भी है, हाईली वेस्कुलराइज्ड। ठीक है, नाउ एक और फीचर क्या था कि थीका एक्सटर्ना हो गया, थीका इंटरना हो गया, और क्या क्या हुआ टर्शरी फोलिकल के अंदर, टर्शरी फोलिकल के अंदर क्या हो गया, टर्शरी फोलिकल में क्या बन गया, एक एंट्रल कैविटी, या क्या बन गया है, एंट्रल कैविटी या एंट्रम बन गया है। ठीक है, उस कैविटी के अंदर क्या फील्ड है, उस कैविटी में क्या फील्ड है, एंट्रल फ्लूइड, आल्सो कॉल्ड फोलिकुलर फ्लूइड, आल्सो कॉल्ड लिक्वर, मतलब लिक्विड, एंड फोलिकुलाई मतलब विद इन द फोलिकल। किसने सिक्रीट किया है, सो दिस फ्लूइड सिक्रेटेड बाई विच सेल्स, सिक्रेटेड बाई ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, तो वो जो फ्लूइड है धीरे धीरे क्या होगा, वो कैविटी में एक्यूमुलेट होता रहेगा, और उस कैविटी को आपने क्या बोल दिया, एंट्रम आपने बोल दिया। एंट्रम क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, किसने सिक्रीट किया है, ग्रेनुलोसा सेल्स ने उस फ्लूड को सिक्रीट किया है। अब बात करें कि वो जो एंट्रल फ्लूड है उस फ्लूड में क्या क्या होगा, उस फ्लूड में क्या क्या होगा, उसके अंदर स्टीरॉइड हॉर्मोन्स एंड प्रोटीन हॉर्मोन्स, उसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स कहां से आएंगे, ये ब्लड से आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जो लेयर्स हैं थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना हाईली वेस्कुलराइज हैं, तो 80% जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है किसके अंदर, ब्लड प्लाज्मा में, दे कैन कम टू दी एंट्रल कैविटी आल्सो। तो वहां पे एंटीकोगुलेंट, दी एंजाइम्स, दी वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हो गया, आयन्स विद दी पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव चार्जेस। तो क्या बन गया, एक एंट्रम बन गया। उसके अलावा क्या वहां पे बना है, देर इज वन लेयर कोल्ड जोना पेलू सीडा। ठीक है, किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन दी सेकेंडरी ऊसाइट एंड ग्रेनुलोसा सेल्स। किसका बना है, सेलुलर है कि नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर लेयर है, किसका बना है, ग्लाइकोप्रोटीन। फंक्शन वी विल डिस्कस व्हेन वी विल स्टडी द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा, जो ऊ साइट है उसमें वो किसे सराउंड होगा, इन द एंड, इन द लास्ट ऊ साइट सराउंडेड बाई, सराउंडेड बाई मास ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या क्या बन गया, एक बार दोबारा आप देख सकते हो, टर्शरी फोलिकल में साइज इंक्रीज हुआ है, फर्स्ट म्यूटेशन कंप्लीट हुआ, क्या बन गया, सेकेंडरी ओसाइट बन गया, हैप्लोइड, फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी हैप्लोइड है, लेकिन साइटोप्लाज्म काफी कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट रिज्यूम कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ दी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दो मैंने फैक्टर बता दिए, कैल्शियम एंड दी साइक्लिक एएमपी। उसके अलावा दो लेयर हो गया थीका का, एक्सटर्ना एंड इंटरना, उसके अलावा एक एंट्रम हो गया जिसमें क्या है, एंट्रल फ्लूड जहां पे है, उसके अलावा जोना पेलोसिडा ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर है, किसने सिक्रीट किया है। ठीक है, दिस इज सिक्रेटेड बाई, दिस इज
सिक्रेटेड या फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी ओसाइट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन मैंने क्या बताया था, एक्चुअल में कौन करता है इसको, प्राइमरी ओसाइट इसको क्या करता है, सिक्रेट करता है। ठीक है, सो दिस इज दी टर्शियरी फोलिकल। एंड नेक्स्ट द फिफ्थ वन, दैट इज द मैच्योर फोलिकल। फोलिकल का मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऑल्सो कोल्ड ग्रेफियन फोलिकल। अब यहां पे देखिए कहां से बनेगा, टर्शरी फोलिकल अल्टीमेटली क्या होगा, टर्शरी फोलिकल ये किस में चेंज होगा, चेंजेस इनटू मैच्योर फोलिकल। क्या बोल दिया आपने इसको, ग्राफियन फोलिकल आपने इसको बोल दिया। ठीक है, अब यहां पे देखो दो टाइप की मैंने सेल्स बताई थी, कौन सी, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, जो इमीडिएटली किसको सराउंड कर रही है, जोना पेलोसुडा को, और उसके बाहर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, क्यूमुलस ओफोरस सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पे जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बिकम्स फॉर्मली अटेस्ट टू दी जोना पेलोसिडा एंड इज नाउ कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। कोरोना मतलब क्राउन और रेडिएटा मीनिंग रेडिएशन। ठीक है, उसके अलावा मास ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, क्या बोलेंगे उसको, क्यूमुलस ऊफोरस। ये कहां बल्ज होता है, बल्जेज इनटू द एंट्रल कैविटी और इनटू द एंट्रम। ठीक है, उसके अलावा अब ऊ साइट का लोकेशन देखें तो क्या सेंटर में प्रेजेंट है, कौन सा ऊ साइट है, सेकेंडरी ऊ साइट है, तो ऊ साइट लाइज ईसेंट्रिकली इन द फोलिकल, क्योंकि वहां पे जो एंट्रल कैविटी है वो क्या हो गया, वहां पे एनलार्ज हो गया, तो ऊ साइट लाइज ईसेंट्रिकली इन द फोलिकल। ठीक है, अब यहां पे एक सेल्स हैं जो कहाँ अटैच है, मैंने क्या बताया था, जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं दैट अटैच्ड द सेकेंडरी ओसाइट टू द वॉल ऑफ द फोलिकल, उसको क्या बोला था आपने, उसको बोला था क्या, दिस इज कॉल्ड डिस्कस प्रोली गेरस, आल्सो कॉल्ड जम्बहिल, डिस्कस प्रोलीगेरस ऑल्सो कॉल्ड जम्बहिल। तो क्या था ये, दीज आर दी ग्रेनुलोसा सेल्स दैट अटैच्ड ऊसाइट टू, कौन सा ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट टू दी वॉल ऑफ दी फोलिकल। ठीक है, टू दी वॉल ऑफ द फोलिकल मतलब, और जब रप्चर होगा तो उसके साथ में कौन कौन रहेगा, उसके साथ में क्या क्या रहेगा, उसके साथ में सेकेंडरी ऊसाइट रहेगा, और क्या रहेगा वहां पे, जोना पेलोसुडा रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, इलोंगेटेड कोरोना रेडिएटा सेल्स वहां पे रहती हैं। ठीक है, अब लास्ट अपन डिस्कस करते हैं कि तो यहां पे स्ट्रक्चर थी
कॉर्पस ल्यूटियम, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, एंड द मेजर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन, वो कैसे होता है, थोड़ा सा उसको ब्रीफ में उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में कैसे होता है। नाउ जो प्रोसेस है ओवुलेशन का, ठीक है, वो क्या हो गया कि जो मैच्योर फोलिकल है, कौन सा, ग्रेफियन फोलिकल, इट रप्चर्स टू रिलीज दी सेकेंडरी ऊसाइट और ओवम। ठीक है, एनसीईआरटी में दोनों लिखे हैं, सेकेंडरी ऊसाइट एंड ओवम। ठीक है, फ्रॉम दी ओवेरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। ठीक है, तो ओवेरी से रिलीज होना सेकेंडरी ओसाइट या ओवम का, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। ठीक है, अब कैसे होगा ये डिस्कस करते हैं। तो पहले अपन ने ये डिस्कस किया था कि जैसे ही ग्राफियन फोलिकल एनलार्ज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पे क्या होगा, जो सरफेस है ओवरी का उसके ऊपर क्या निकलता है, उसके ऊपर एक ब्लिस्टर लाइक बल्ज निकलता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो ए स्मॉल और वेस्कुलर बनेगा कि ए वेस्कुलर, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, इतना प्रेशर क्रिएट करेगा वॉल के ऊपर कि वहां पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई वहां पे बंद हो जाती है। ऐसा नहीं कि पहले से वो ए वेस्कुलर रहेगा, पहले ब्लड सप्लाई रहती है वॉल में, लेकिन बाद में इंक्रीज प्रेशर से इट बिकम ए वेस्कुलर। ठीक है, एंड ब्लिस्टर लाइक बल्ज ऑन दी सरफेस ऑफ ओवरी, क्या बोलते हैं उसको, स्टिग्मा दैट अपियर्स। ठीक है, अब जितना प्रेशर इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो रीजन है कहाँ, कौन सा रीजन, स्टिग्मा वाला रीजन, जहां पे स्टिग्मा है, जहां पे एक ब्लिस्टर लाइक एक बल्ज है, वहां पे क्या होगा, जो सरफेस एपिथिलियम है, किसका, ओवेरी का सरफेस एपिथिलियम, एंड एंड जो थीकल लेयर्स हैं, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटरना, दे बिकम थिनर और थीकर, दे बिकम थिनर, क्योंकि जो प्रेशर वो इंक्रीज हो गया, जिससे क्या हो गया, जो वो लेयर्स हैं वो कैसे हो गई, वो थिन हो गई। ठीक है, अब अगले में प्रोसेस में क्या होगा, मैंने क्या डिस्कस किया था कि जो थीका एक्सटर्ना है, वो थीका एक्सटर्ना क्या रिलीज करेगी, थीका एक्सटर्ना रिलीज विच एंजाइम्स, प्रोटियो लाइटिक एंजाइम्स। और यहां पे वो एंजाइम कौन सा है, मेजर एंजाइम कौन सा है, क्योंकि वहां पे प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन, तो कौन सा हो गया, कोलेजिनेज। ठीक है, काम क्या होगा इसका, क्या काम होगा, इट डिजोल्यूशन ऑफ फोलिकुलर कैप्सुलर वॉल, एंड जिससे क्या हो जाएगा, जिससे क्या, जो वॉल वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, वीकनिंग ऑफ दी वॉल। ठीक है, और अल्टीमेटली जब वीक होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो फोलिकल है अल्टीमेटली क्या होगा, वो रप्चर होगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब रप्चर होगा तो अल्टीमेटली सेकेंडरी ओसाइट है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या स्टेप मैंने बताया था कि अल्टीमेटली जो एलएच होगा, और मैंने बताया था कि रप्चर करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल, एलएच, तो ओवुलेशन से पहले अप्रोक्स यू कैन से 7 to 9 आवर्स बिफोर क्या होता है, एलएच सर्ज होता है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, एमेस्ट्रल साइकिल में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने क्या बताया था कि जो एंट्रल फ्लूड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जिससे प्रेशर बढ़ेगा एंट्रम के अंदर, वो क्यों होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एलएच क्या करवाएगा, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करवाता है, डायलेट करवाता है, एंड ऑल्सो देर विल बी रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, नई ब्लड वेसल्स भी बनवाता है कौन, एलएच, और अल्टीमेटली क्या सिक्रेट करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करवाता है।
तो रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, न्यू ब्लड वेसल्स इनटू द फोलिकल वॉल। ठीक है, एंड मैंने क्या बताया था, ये क्या रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिंस। और प्रोस्टाग्लैंडिंस क्या है, दे आल्सो कॉज द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। तो क्या होगा कि जहां पे ओवेरियन वॉल है, जहां पे स्टिग्मा है, वहां पे क्या करवाता है, वहां पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे क्या होगा, जिससे जो ग्राफिन फोलिकल क्या हो जाएगा, स्टिग्मा से क्या हो जाएगा, वहां से रप्चर हो जाता है। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता है, वजो डायलेशन भी करवाता है, इंक्रीज ब्लड सप्लाई करेगा, जिससे क्या होता है, फ्लूड प्रेशर इंक्रीज होगा विद इन द एंट्रम। उसके अलावा क्या करवाता है, कोज लोकल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन दी ओवेरियन वॉल। और उसके अलावा क्या करवाएगा, वेजो डायलेशन। ठीक है, तो जो भी सारे जो इफेक्ट हैं, कौन सा, कि कोलेजन का सिक्रीट होना, उसके अलावा लोकल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है, उसके अलावा स्टिग्मा और जो सरफेस एपिथीलियम है, या मान लो जो फोलिकल्स की जो वॉल है, उसे क्या होना, थिन होना, सारे प्रोसेस अपन मिला दें, इंक्रीज ब्लड सप्लाई हो गया, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीट होना, सारे मिला के अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो स्टिग्मा है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी ऊसाइट है, इट विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया अपना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। और जब ओवुलेशन हो गया, तो ओवुलेशन होने के बाद में पीछे जो स्ट्रक्चर बचेगा वो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस हीमोरेजिकम। कॉर्पस का मतलब क्या हो गया, बॉडी हो गया, हीमो का मतलब क्या हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, और जो वर्ड है क्या है, रेजिक, इसका मतलब क्या है, ब्रस्टिंग फोर्थ, ठीक है, ब्रस्ट होने के बाद में क्या बन जाता है, वहां पे ब्लड क्लॉट बनेगा, जिसको क्या बोल दिया, कॉर्पस हीमोरेजिकम बोल दिया। ठीक है, तो कोलेप्स होने के बाद में, ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो गया कि जब ओवुलेशन हो गया तो क्या हो गया, एक कोलेप्स्ड सैक की तरह क्या लगता है, कॉर्पस हीमोरेजिकम लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि आफ्टर द ओवुलेशन फोलिकुलर वॉल रिमेंस एज ए कोलेप्स्ड सैक। ठीक है, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, ए ब्लड क्लोट डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से है ब्लड क्लोट, कि जो वेसल्स रप्चर हुई हैं, कहां पे, स्टिग्मा के पास में, डिराइव्ड फ्रॉम दी टोर्न, जो रप्चर्ड हैं, टोर्न ब्लड वेसल्स ऑफ स्टिग्मा अपियर्स ऑन इट्स सरफेस। इसलिए अब क्या बोल दिया इसको, कॉर्पस हीमोरेजिकम इसको बोल दिया। ठीक है, उसके अलावा जो डिस्कस किया था, कि मैंने बताया था कि जो कितने सारे ग्राफिन फोलिकल बनेंगे ईच मंथ, सिर्फ एक ही ग्राफिन फोलिकल क्या होता है, मेच्योर होता है, और एक ही सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है रिलीज होता है, और बाकी जो भी फोलिकल्स हैं, मान के चलिए कि 10 से 15 फोलिकल्स हैं, उसमें एक तो मान के चलिए क्या हो गया, ग्राफिन फोलिकल बनके रप्चर हो गया, एक सेकेंडरी ओसाइट क्या हो गया, वहां से रिलीज हो गया, बाकी के जो भी फोलिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी डीजनरेटेड, और जहां पे डीजनरेट होंगे, दे आर रिप्लेस्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, तब क्या बोलते हैं उसको, देन इट इज कॉल्ड कॉर्पस अट्रेक्टिकम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पस अट्रेक्टिकम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पे लिखा है क्या चीज अबाउट दिस मेच्योर और ग्राफिन फोलिकल, वहीं आप लिख सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि ओनली वन ऑफ द फोलिकल्स ओवुलेट ईच मंथ, बाकी क्या हो जाएगा, अट्रेसिया,
तो अट्रेशिया होने के बाद में क्या होगा कि जो पीछे जो ऊ साइट और सराउंडिंग जो फोलिकुलर सेल्स होंगे दे आर रिप्लेस्ड बाई कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस अट्रेटिकम। ठीक है, इसको आप लास्ट में लिख लेना चाहिए, यहां स्पेस आपके पास में तो आप यहां भी लिख सकते हो ना। उसके बाद में अब जो अपने पास स्ट्रक्चर है कौन सा, कॉर्पस हिमोरेजिकम। अब कॉर्पस हिमोरेजिकम अल्टीमेटली क्या बनेगा, अब यहां क्या बनेगा, कॉर्पस सेवंथ वन क्या बनेगा, कॉर्पस बॉडी ल्यूटियम का मतलब येलोइस, मतलब एक येलोइस स्ट्रक्चर, एक येलोइस बॉडी यहां पे बनती है। ठीक है, कैसे बनेगा, अब वहां पे कौन कौन सी सेल्स आपने देखे थे, वहां पे थीका सेल्स अपने पास में है और कौन सी सेल्स है, वहां पे ग्रेनुलोसा सेल्स अपने पास में है। तो अब वहां पे रप्चर होने के बाद में ग्राफेन फोलिकल में पीछे क्या रह गया अपने पास में, रिमेनिंग ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स, मेनली थीका इंटरना, क्योंकि कैसी थी वो, ग्लैंडुलर सेल्स थी, थीका इंटरना सेल्स दे चेंज रैपिडली इनटू इनटू ल्यूटीन सेल्स, मतलब येलोइस। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनका जो डायमीटर है किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का, क्या होगा, एनलार्ज होगा, एनलार्ज इन डायमीटर। और कॉर्पस ल्यूटियम को टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज मेनली इट सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन एंड आल्सो इन स्मॉल कंसेंट्रेशन सिक्रेट एस्ट्रोजन आल्सो, दोनों ही हार्मोन कैसे हैं, स्टेरॉइड हार्मोन है। और स्टेरॉइड हार्मोन किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल, मतलब लिपिड, लिपिड कौन सा ईआर बनाता है, एसईआर बनाता है कि आरईआर बनाता है, कौन सा, एसईआर, मतलब कौन से ईआर के नंबर बढ़ेंगे यहां पे, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या बनाना है इसको, स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरोन व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम दी कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसका मतलब ये किससे फिल्ड हो गया, इट फिल्ड विद दी, जो भी सेल्स हैं दे आर फिल्ड विद दी विच ग्लोब्यूल्स, विद दी लिपिड ग्लोब्यूल्स। ठीक है, मेनली कौन सा हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये जो सेल्स होंगी उनके साइटोप्लाज्म में, जो सेल्स होंगी उनके साइटोप्लाज्म में देर इज वन पिगमेंट, पिगमेंट कौन सा पिगमेंट, ल्यूटीन पिगमेंट, ल्यूटीन पिगमेंट इन दी साइटोप्लाज्म, जितनी भी सेल्स वहां पे हैं, कहां पे, इन दी कॉर्पस ल्यूटियम, उनके साइटोप्लाज्म देयर इज पिगमेंट कॉल्ड ल्यूटीन पिगमेंट। और ये जो ल्यूटीन पिगमेंट है ये क्या देता है, इट विल गिव विच कलर, इट गिव येलोइस कलर, तभी आप क्या बोलते हो इसको, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हो। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस, कि एसईआर के नंबर इंक्रीज होना, अल्टीमेटली लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं उन उनसे फिल्ड होना, अल्टीमेटली ल्यूटीन पिगमेंट है उसका कलर यू कैन से देना, जैसे आप कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हो, एंटायर जो प्रोसेस है कि डायमीटर इंक्रीज हो गया, एसईआर के नंबर इंक्रीज हो गया, लिपिड ग्लोब्यूल्स वहां पे हो गया, तो अल्टीमेटली दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ल्यूटीनाइजेशन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट विल गिव द येलोइश कलर टू द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और जो टोटल सेल्स थी, जितनी भी सेल्स थी, टोटल मास ऑफ सेल्स टुगेदर क्या बोल दिया उनको आपने, क्या बोल दिया, कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो एल एस में ल्यूटिनाइजिंग इसका मतलब क्या है, येलोइंग। ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी धीरे धीरे क्या कर देती हैं, इसमें पेनिट्रेट वो करने लग जाती हैं। ठीक है, अब यहां पे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका फेट क्या होगा, कि कब ये कॉर्पस एल्बिकेंस में बनेगा और ये कब नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक स्मॉल इसमें आता है कि द फेट ऑफ, फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब पहला, यदि क्या होता है, यदि प्रेगनेंसी या यू कैन से इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी या इम्प्लांटेशन होता है तब क्या होगा, देन दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल नॉट डीजनरेट। ठीक है, तो क्या करेगी, दिस सर्वाइव, दिस सर्वाइव
टू फंक्शन इन दी, यू कैन से इन सर्वाइव टू फंक्शन टिल 3 to 4 months. ठीक है, तो 3 से 4 महीने तक क्या करती रहेगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती रहेगी, विच आर यू कैन से नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, अब इस कंडीशन में जब ये यू कैन से डीजनरेट नहीं होती है, तब उसको क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे इसको, देन इट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम को कैसे मालूम चलेगा कि इसको डीजनरेट होना है 10 to 12 days आफ्टर, या कि इसको 3-4 महीने तक सर्वाइव करना है, क्योंकि जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है, जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, अब बाद में पढ़ोगे कि जो ट्रोफोब्लास्ट, देर आर सर्टेन सेल्स कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, एंड दीज सेल्स दे विल सिक्रेट वन हॉर्मोन कॉल्ड HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. दिस हॉर्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर द 3 to 4 months. ठीक है, कैसे सिक्रेट होता है इसको अपन जब पढ़ेंगे अपन एम्ब्रियोलॉजी, उसमें अपन डिस्कस करेंगे इसको. लेकिन अभी के लिए याद रखो, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स दे विल सिक्रेट HCG एंड विच विल मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, एंड नाउ इट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, अब सेकंड अपने पास में ऑप्शन क्या है, सेकंड अपने पास में ऑप्शन ये है कि यदि इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रेगनेंसी या इम्प्लांटेशन एब्सेंट, नॉट अकर, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम है उसका जो लाइफ स्पेन कितना होगा, ओनली 10 to 12 days. ठीक है, 10 to 12 days के बाद में क्या होगा, दिस कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो HCG नहीं आएगा, और ये 10 से 12 दिन तक इंतजार करता है किसका, HCG का, तो HCG नहीं आता, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये डीजनरेट ही हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ल्यूटियोलाइसिस. ठीक है, डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम. तो अल्टीमेटली 10 से 12 दिन बाद में क्या होगा कि अल्टीमेटली इसके जो सीक्रेटरी फंक्शंस हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे आफ्टर 10 to 12 days. सो लॉसेस इट्स सीक्रेटरी फंक्शन कौन से थे, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन, मेनली प्रोजेस्टेरोन फंक्शन एंड इट्स येलोइस लिपिड करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, और बाद में क्या बन जाएगा, ये यदि डीजनरेट हो जाएगा, देन इट विल बिकम कॉर्पस का मतलब बॉडी एंड कॉर्पस एल्बिकेंस. एल्बिकेंस का मतलब व्हाइट, कॉर्पस का मतलब बॉडी. ठीक है, तो कॉर्पस एल्बिकेंस क्या है, इट इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, यहां पे सिर्फ क्या हो गया कि जो फाइबरस टिश्यू है उसका क्या हो गया, एक मास हो गया. सो मास ऑफ फाइबरस स्कार टिश्यू. ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि कॉर्पस ल्यूटियम है कब सर्वाइव करेगा और कब ये डीजनरेट हो जाएगा. तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ द वेरियस फोलिकल, कैसे अर्ली प्राइमरी फोलिकल कैसे कन्वर्ट होगा लेट प्राइमरी फोलिकल, देन सेकेंडरी फोलिकल, देन टर्शरी फोलिकल, एंड देन ग्राफियन फोलिकल, एंड देन ओवुलेशन. देन क्या बनता है, ब्लड क्लॉट बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पस हेमोरेजिकम. एंड देन लास्ट में क्या बनता है, क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम. प्रेगनेंसी होती है तो 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद में जो फंक्शन है वो कौन टेक ओवर कर लेता है, प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है. ठीक है, और प्रेगनेंसी नहीं होती तो आफ्टर 10 to 12 days क्या हो जाएगा, इट विल बी डीजनरेटेड. और जो मैंने आपको टर्म बताया था वो भी आप लिख सकते हो, कौन सा, कॉर्पस अट्रेटिकम. ठीक है, कॉर्पस अट्रेटिकम मैंने क्या बताया था, लास्ट टर्म कॉर्पस कॉर्पस अट्रे
अट्रेटिकम, कॉर्पस अट्रेटिकम का इसको बोलेंगे कि जब क्या होता है, फोलिकुलर अट्रेसिया होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो ऊसाइट है, ऊसाइट और साथ में जो भी सराउंडिंग फोलिकुलर सेल्स हैं, फोलिकुलर सेल्स हैं, उनका क्या हो जाएगा, दे आर, उनमें सेल डेथ होगा, कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ, आल्सो कॉल्ड अपोप्टोसिस। सो दे आर रिप्लेस्ड बाई ए कनेक्टिव टिश्यू। उसी कनेक्टिव टिश्यू क्या बोलते हैं, कॉर्पस, कॉर्पस अट्रेटिकम। ठीक है, और कोई आपसे पूछता है कि सिर्फ हर मंथ में एक ही जो फोलिकल ओवुलेट क्यों होता है, जिसे आपको क्या बताना है कि इट यूजुअली प्रिवेंट्स मोर देन वन चाइल्ड फ्रॉम डेवलपिंग विद ईच प्रेगनेंसी। ठीक है, कोई आपसे पूछता है कि वाई ओनली वन ऑफ फोलिकल्स, वाई ओनली वन ऑफ फोलिकल्स ओवुलेट ईच मंथ। ठीक है, तो इसका रीजन क्या बताओगे कि इट यूजुअली, मैंने यूजुअली लिखा है कि हमेशा ये सही नहीं है, कि कई बार क्या होता है कि दो सेकेंडरी ओसाइट भी रिलीज हो जाते हैं। तो इस यूजुअली प्रिवेंट्स मोर देन वन चाइल्ड फ्रॉम डेवलपिंग विद ईच प्रेगनेंसी।